इस प्लेनेट पर करोड़ों जीव हैं और ओमनीट्रिक्स एक कच्ची अक्ल वाले नौजवान की कलाई पर बंध गया। मैंने तुम्हारे दोस्तों से भी कहा, ये वॉच निकल के ही नहीं, मैंने कोशिश की। जानता हूँ नहीं निकलेगी। इसका पावर एलियन डीएनए इस्तेमाल करता है जो होस्ट के अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर से जुड़ जाता है। उसे ऐसे नहीं उतार सकते जैसे आप हेड उतारते हैं। बिंटेक क्लासिक सीरीज के सीजन 1 एपिसोड 5 में बेन और टेट्रस के बीच हमें कॉन्वर्सेशन सुनने को मिला था। बेन ने कहा, वेल, मैंने तुम्हारे दोस्तों को कितनी बार कहा है, ये चीज नहीं निकल रही है, मैंने बहुत कोशिश की है। टेट्रक्स कहता है, ऑफ कोर्स ये नहीं निकलेगा, इसका एलियन डीएनए होस्ट के जेनेटिक स्ट्रक्चर के साथ बाइंड हो गया है, ये सिंपली नहीं निकलेगा जैसे आप अपना टोपी निकालते हो। याद रखना, टेट्रक्स ने कहा था कि ये बेन के जेनेटिक स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन हो चुका है। ये कितना गहरा है आप इस बात से समझ सकते हो कि एक ह्यूमन के ब्लड सेल्स के अंदर डीएनए होता है, फिर उसके अंदर आता है जेनेटिक मटेरियल्स। मतलब ये वॉच तो माइक्रोस्कोपिक नहीं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बेन के साथ कनेक्टेड हो चुका है। ऑब्वियसली अगर ये वॉच इतने डीपली कनेक्टेड है तो इसे रिमूव करना लगभग नामुमकिन है। इसे निकालने पर बेन की जान भी जा सकती है क्योंकि ये ऑब्वियसली उसके साथ सेलुलर लेवल पे कनेक्टेड है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी विलेंस है जो ओमनीट्रिक्स को किसी भी कीमत पर पाना चाहते है, इसलिए वो बेन को जान से भी मार सकते है। और इसमें कोई शक नहीं है कि केविन और विलगैक्स उनमें से ही एक है। बैक विद द वेंजेंस एपिसोड में उन दोनों ने एक मशीन की मदद से बेन से ओमनीट्रिक्स का कोशिश किया था। इस टाइम जरा बेन के चेहरे को ध्यान से देखो, उसे कितना दर्द हो रहा है और वो रो रहा है। बेंटेक क्लासिक का ये फर्स्ट टाइम था जब हमने बेन को रोते हुए देखा था। उसने कभी इस वॉच की परवाह ही नहीं की थी, उसने हमेशा अपने फैमिली को ऊपर रखा है जिनके लिए वो ओमनीट्रिक्स को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार था। इससे बेन की जान भी जा सकती थी क्योंकि ओमनीट्रिक्स को निकालना मतलब बेन के जेनेटिक्स से ओमनीट्रिक्स के कनेक्शन को तोड़ना, जो बेन के लिए काफी पेनफुल था, जो यह क्लियरली देखने को मिलता है। इन सब के बावजूद बेंटेन एलियन फोर सीरीज में कुछ ऐसा हुआ जो आपको एक मजाक लगेगा। बेन का ओमनीट्रिक्स रिकैलिब्रेटेड होने के बाद क्या हुआ? क्या इन 5 साल के गैप में अस्मत ने ओमनीट्रिक्स में कुछ एडजस्टमेंट किया है, या फिर क्या क्या है कि इस ओमनीट्रिक्स को रिमूव करना इतना आसान है? क्या आपको नहीं लगता है कि एलियन फोर ओमनीट्रिक्स को रिमूव करना इजी है? जरा प्राइमस एपिसोड को याद कीजिए। अस्मत ने जब ओमनीट्रिक्स को वापस प्राइमस में बुलाया था तब ओमनीट्रिक्स स्मूथली बेन के हाथ से रिमूव हो गया और आसमान में उड़ते हुए बोलोटिकस बायोप्सिस ने उसे ले लिया। अगर ओमनीट्रिक्स इतने इजीली रिमूव हो जाता है जो पूरे सेलुलर लेवल पे अपने यूजर के साथ कनेक्टेड है, तो इस बच्चे को इतना दर्द देने की क्या जरूरत थी? बेंटेन अल्टीमेट एलियन सीरीज में भी बेन ने ओमनीट्रिक्स को इजीली रिमूव किया था। ओ गॉड, ये कैसा कंफ्यूजन है। आइदर ओमनीट्रिक्स रिमूव होने पर दर्द होता है या फिर ओमनीट्रिक्स यूजर के डीएनए के साथ सेलुलर लेवल पे कनेक्टेड नहीं है। आइदर ये फेक है वरना ये फेक है, दोनों में से क्या सही है इस बारे में मैं भी कंफ्यूज हूँ। और मुझे लगता है कि ओमनीट्रिक्स रिमूव होने पर यूजर को दर्द होना चाहिए। इस बारे में आप लोगों का ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने दोस्त केविन को छोड़कर कहीं जा रहे हो?